कि जब बाहर के लोगों को किसी चीज की रिसर्च करनी हो, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई नासा की कोई टीम है, वो हमेशा इधर उधर चीजों खुद जाके नहीं करती सर्च। वो पहले देखते कि किस पुस्तक में क्या चीजें लिखी हुई हैं और किस तरीके से हम उसके जड़ तक पहुंच सकते हैं। और जब आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर लो, जब नासा ने कोई चीज पता करनी हो, वो बाइबल उठाती है और देखते कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में ये चीज इस समय पे था, और वो सर्च करते हैं। और जो चीजें सर्च की जाती हैं वो वैसे ही होती हैं जैसे वचन में लिखा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा था जब लाल समुद्र की बात करें, वो जब फिरौन की सेना उसमें आई, वो डूबी गई, उनके जो हड्डियां थे, अब उनको फॉसिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो इतने समय के बाद जब साइंटिस्ट ने उन्हें ढूंढा, उन्होंने बताया कि नहीं, सच में ये चीज हुई थी। और जब वो फिरौन की सेना आई थी तो वो पानी जो उन इसराइलियों के लिए दो भाग हुआ था, उन्हीं दुष्टों के लिए वो वापस इकट्ठा हुआ, और वही जो सेना उनके विरुद्ध में थी वही उस पानी में विनाश हुई, क्योंकि यहोवा उन इसराइलियों के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जब यहोवा आपके साथ होता है, कितने लोग क्यों ना सता रहे हो, आपने चुप रहना है, आपने श्राप नहीं देना, आपने कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ यहोवा पे भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। रास्ते अपने आप खुलेंगे, दुष्ट भी कोशिश करेगा आपके पीछे आने के लिए, पर याद रखो उसका विनाश पक्का है, कि वो आपका पीछा कभी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग सताते हैं उन्हें सताने दो, कोई समस्या नहीं है, एक समय आएगा या तो वो बदलेंगे या यहोवा अपने आप को बदल के उनको विनाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आमीन। तो जो मैं आपको बताता हूँ, ये चाहे लाल समुद्र की विषय में लिखा हुआ हो, हाँ, चाहे किसी भी वो यरियो की दीवार के बारे में लिखा हुआ हो, किसी भी चीज के बारे में क्यों ना लिखा हुआ, उसके पीछे ऐसे किसी का मन नहीं किया लिखने का और लिख दिया। जब सात चक्कर लगाएगा यरियो के दीवार के, क्या हुआ? वो दीवार गिरी कि नहीं? हालेलुया। विश्वास रखो, जब आपके अंदर विश्वास होता है, हाँ, उसके वचन पे, आप फिर आप उसके ऊपर डिपेंड होते हो पूरी रीति से, दिमाग में फिर आप क्वेश्चन नहीं करते, यार चक्कर लगाने से दीवार कैसे गिरेगी, हाँ, आगे बढ़ने से, लाठी लगाने से कैसे समुंदर के दो भाग होंगे, हाँ, फिर आप शक नहीं करते, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनाते, कैसे होगा, मुमकिन है भी नहीं। जो आपके लिए नामुमकिन है वो मेरे यहोवा के लिए मुमकिन है। इस बात को हमेशा याद रखो, अगर अपनी कोशिशों से समुद्र को कितना मर्जी कोशिश करो, दो भाग हो जा, कभी नहीं होगा जब तक यहोवा का हाथ आपके हाथ में ना हो। हालेलुया। जब तक यहोवा का साथ आपके साथ ना हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यहोवा का हाथ आपके साथ होना बहुत जरूरी है, उसकी बात को सुनकर उस कार्य को करना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ा जो मैं क्या मुझे याद आता है जब यरियो की दीवार की बात, जब मैं हमेशा याद करता हूँ उस बात को, और लिखा हुआ है कि जो चीज़ दिमाग में भी नहीं व्यक्ति के चढ़ सकती। अगर आप हम किसी के हम कहीं सोच लें, घर के चारों ओर चक्कर लगा लो सात बार, हाँ, घर गिर जाएगा? एक पत्थर यहीं पर चार पत्थर लगा के खड़े हो जाओ और चार सात क्या 14 चक्कर लगा लो, पत्थर हिल जाएंगे क्या? कैसी सामर्थ्य यहोवा की? क्यों उसने वो चीजों को दिखाया? ताकि वो लोग जो शहरपना के अंदर हैं उन्हें पता चले कि यहोवा क्या कर सकता है। और लिखा क्या लिखा है कि जो दीवारें हैं वो अंदर को नहीं गिरी, ताकि लोगों को लगता कि बाहर से किसी ने धक्का मार दिया, बाहर से कुछ कर दिया, इसलिए अंदर को गिर गई। क्या हुआ? अंदर से वो दीवार बाहर को, ईंटें बाहर को, पत्थर बाहर को गिरे। हालेलुया। वो अचंबा करने वाले काम आपके जीवन का हिस्सा हो, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बस आपने शक नहीं करना, जो अगुवाई में आप चल रहे हैं, जो आपकी अगुवाई होती है, आपने सुनकर उन बातों को पूरा करना है, आपने बातों को सुनकर उस मार्ग पर चलना है, और याद एक बात को रखना है कि यहोवा आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? कि मुझे बच्चे, जब मैं आपको बताता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ एक चीज, क्योंकि मैं इस बात को जीता हूँ बच्चे, मैं लिखा हुआ है जब वचन संहिता के अंदर, जो लोग यहोवा पे भरोसा रखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता,
मुंह काले का होने का मतलब क्या है? शर्मिंदगी को फेस करना। याद रखो एक बात को, जब यहोवा के ऊपर हमारा भरोसा है, लोग कितने मर्जी ताने मारें कुछ भी, आप शर्मिंदा कभी नहीं होते। कोई चीज़ आपके पास नहीं है, वेट करो, उस पर भरोसा है, उसको पता है कि आपको कब कैसे क्या चीज़ देनी है, और वो डिवाइन फेवर आपके जीवनों में आते हैं। फिर आपके तरीके से काम नहीं होते कि मेरा ये लोन होगा, मेरा ये भाई हेल्प करेगा, हाँ ये मेरे दोस्त हेल्प करेंगे तो जाके मेरा काम होगा। डिवाइन हेल्पर, डिवाइन फेवर, जिससे आपको उम्मीद भी नहीं होती, वो आपके लिए काम को करते हैं प्रभु यीशु के समर्थी नाम से। आमेन, हालेलुया, तारीफ करो जोर से, जोर से। इसलिए जब अपने आप को, आपको लगता है, मैं बहुतों के बारे में बता रहा हूं, कई समय पे विश्वास हिलना शुरू हो जाता है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, उस विश्वास को, उस स्पिरिट को काम मत करने दो, शक को अंदर मत आने दो। जब शक आता है तो यहोवा का जो काम होने ही वाला होता है वो आगे को बढ़ जाता है, टाइम और बढ़ जाता है उसका। हालेलुया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका काम होने ही वाला था, यहोवा के आत्मा ने बताया कि इनका काम होने ही वाला है, उन्होंने अपने कुड़कुड़ाने की वजह से, हाँ चर्च में ना आने की वजह से, हाँ इस अनॉइंटिंग को लाइटली ले लिया, और जो चीज़ें मिलने ही वाली थी, जो फेवर आने ही वाला था, उस फेवर से वंचित हो गए, उस फेवर से हट गए। हालेलुया, अगर आप बने हुए हो, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोलता है, जब हम यूहन्ना 15 में देखते हैं, वो जो बने होते हैं, वो डाली जो बने होती है, बनी रहती है, वो फल को लेकर आती है। अगर आप बने हुए हो, आप उसकी हजूरी में आ रहे हो, बातों को सुन रहे हो, कहना मान रहे हो, तो क्या आप फल को लेकर आओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपका फल परमानेंट रहेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन, हालेलुया।